चौथा मैच चालू है, उसमें सिविल सर्कल और भीम उनके बीच ये पहली गेंद और उस गेंद को घुमा दिया है, लेकिन गेंद को फील्डर के ऊपर से नहीं मार पाए और सीधे फॉलो थ्रू पे अपने बॉलर ने ही उस कैच कर दिया पहला विकेट। हेलो, या सामन्यानंतरचा सामना दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना डोंबिवली स्टार विपक्ष केकेडब्ल्यू कल्याण पूर्व। बिना खाता खोले दोन्ही संघनायक आपले संघ तयार ठेवायचे। उन्होंने उठाया थी गेंद को, ठीक तरह से वो कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद फॉल थ्रू में ही उसको कैच किया गया बिना खाता खोले। वापिस पहला बल्लेबाज ड्रीम इलेवन का, नए बल्लेबाज अशोक मैदान पर पहुंच चुके हैं और इस बीच फिर एक बार गेंद हवा में है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर उनका पीछा कर रहे थे लेकिन गैदर नहीं कर पाए। बैट्समैन ने दो रन पूरे किए हैं। विपुल दो रन के साथ कुल स्कोर दो रन एक विकेट पर। इस बार इस गेंद को ग्लांस करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से नहीं खेल पाए, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, इस बार दो रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का जो फायदा उठाना चाहते हैं थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं बॉलर। जिस बार ये गेंद फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास मिस कर गए और एक रन विकेट के पीछे गेंद गई थी, एक रन से संतोष होना पड़ेगा। तीन रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर ड्रीम इलेवन का। पहले ओवर की ये गेंद और इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन फिचल गए पिच पे ही, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर चले पावर प्ले का, जो एक ही ओवर का पावर प्ले रहता है, कोई आक्रामक स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। यह गेंद और फिर एक बार ड्राइव करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन स्कोर हो गए पांच रन एक विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की ये शायद आखिरी गेंद होगी, इस बार फिर एक बार बीत हो गए। काफी अच्छी गेंदबाजी, दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा रहे गेंदबाज और बल्लेबाज, जो हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं कोई। और इस बार ये चार रन स्टंपिंग आउट हो गए, आगे निकल कर आए थे। पहला ओवर समाप्त, स्कोर अभी भी पांच रन दो विकेट के नुकसान पर। और ये पावर कल्याण मंडल एकचे माननीय अधीक्षक अभियंता श्री पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना विनंती की त्यांनी मंचावर या। ए बॉलर ने खाली बसायला विचारलं, खाली बसा परेश। नाही बल्लेबाज परेश, जो चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
गेंदबाज गेंदबाजों का नाम यहां पर स्कोरर बोर्ड आया नहीं है। कल्याण परिमंडल एक के अध्यक्ष का अभियंता माननीय पाटिल साहब यहां पर उपस्थित हुए, उनका भी यहां इस वायले मैदान पर हार्दिक स्वागत है। दूसरे ओवर की पहली गेंद, इस बार ये गेंद और वो पुल शॉट खेला है मिड ऑन की तरफ, देखना है कैच होता है और ये अजीबो गरीब तरह से ये फील्डर पैर फिसलने के बाद गिर गए, कैच को नहीं लपक पाए। इस बीच एक रन का मौका मिला बल्लेबाजों को, इस एक रन के साथ कुल स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन माफ कीजिए 2 रन लिए बल्लेबाजों ने। दूसरे ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार फिर एक बार मिड विकेट के दिशा में खेला है, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर वहां पर कोई नहीं था, आसानी के साथ ये 4 रन मिले बल्लेबाजों को, ये 4 रन के साथ कुल स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर सिविल सर्कल कल्याण की, हालांकि पहले ओवर में पावर प्ले का जो पहला ओवर था उसमें कोई फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन दूसरे ओवर में काफी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। परेश तीसरी बार गेंद लेकर फील्डिंग में परिवर्तन आते हैं गेंदबाज, जो कि ऑफ साइड में जो फील्डिंग है नमस्कार सीप कवर के जो फील्डर है उनको नजदीक बुलाते हैं क्योंकि सिंगल रोक पाए, परिवर्तन चाहते हैं फील्डिंग में। नमस्कार, एक विशेष पारितोषिक है शिवाजी काळे, माननीय श्री शिवाजी काळे यांनी जर कॅच पकडली तर त्यांना पांडुरंग सूर्यवंशी यांच्याकडून 201 रुपयाचं बक्षीस आहे प्रत्येक कॅचला, प्रत्येक कॅचला। और ये मिड ऑफ के ऊपर कॅच नहीं ले पाए, इस बीच 2 रन बैट्समैन ने पूरे किए, इस 2 रन के साथ कुल स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिविल सर्कल कल्याण का। ये दूसरा ओवर चल रहा है, और ये फिर एक बार पॉइंट की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से नहीं खेल पाए, इसी बीच एक रन से ही संतोष होना पड़ेगा। 1 रन के साथ कुल स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिविल सर्कल कल्याण का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ड्रीम इलेवन के गेंदबाज, कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को हाथ खोल के चौका छक्का मारने का। दोनों अंपायर बीच में कुछ सलाम मशवरा करते हुए कॉकटेल लेते हुए सलाम मशवरा काफी एकाग्रता से वो अपना काम कर रहे हैं दोनों अंपायर कल से इस प्रतियोगिता में। इसी बीच 5वीं गेंद लेकर दूसरे ओवर की, और इस बार फिर एक बार ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट के बीच कोई संघर्ष नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन, इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह अंतिम गेंद है दूसरे ओवर की, इस बार गेंद को फिर एक बार
ड्राइव करना चाहते थे लेकिन मिस कर गए गेंद को। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं शिवाजी ड्रीम इलेवन की तरफ से, और बल्लेबाजी कर रहे हैं विपुल। संदेश बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखना है अभी तीसरा ओवर प्रारंभ हो जाएगा और सिविल को जितना ये स्कोर आगे बढ़ाना है कई आक्रामक स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। 15 रन स्कोर है अभी, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर में। यह पहली गेंद और पॉइंट के लेग स्क्वायर लेग के दिशा में इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारा लिया। 1 रन के लिए विकेट के पीछे गेंद, 1 रन के साथ कुल स्कोर 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी फैली हुई फील्ड है इस समय। बार फिर दूसरी गेंद लेकर आए, इस बार गेंद और ठीक तरह से नहीं गेंद को बल्ले पर ले पाए। दूसरा रन ले चाहते थे, देखना है खतरा हो सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के थोड़ा मिसस्टैंडिंग हो गया था। रनआउट का चांस था लेकिन जो स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे फील्डर है वो ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अट्ठारह स्कोर हो गया है, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ये गेंद और इस बार देखना है गेंद और स्क्वायर लेग के पीछे डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच और इस तरह से ये बारी का अंत हुआ। तीसरा विकेट गिरा कल्याण सिविल सर्कल का, कुल स्कोर विपुल आउट हो गए। एक अच्छी बारी खेल रहे थे, 11 रन बनाए उन्होंने, एक चौका भी लगाया था शायद और आउट हो गए। इस समय तीसरी विकेट कल्याण सिविल के गिर चुके। इस बीच नए बल्लेबाज शुभम नए बल्लेबाज गेंद का सामना करेंगे। इस बीच ये गेंद और फिर एक बार बिना सोचे समझे उन्होंने बल्ला घुमाया था लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। इस बार फिर ओवर थ्रो के रन मिलेंगे, दूसरा रन भी पूरा किया है और इस 2 रन के साथ कुल स्कोर 20। तीसरा ओवर चल रहा है, 3 विकेट पर 20 रन स्कोर है। इसी बीच तीसरे ओवर की गेंद और इस बार लॉन्ग लेग लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गेंद, सीमा रेखा के बाहर, ये अच्छा एक चौका मिला
खूबसूरत स्ट्रोक था, कोई फील्डर नहीं था, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तीन विकेट के नुकसान पर यह गेंद फिर एक बार उसी प्रकार का स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर 24 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर कल्याण सिविल सर्कल का एक अंतिम ओवर बचा हुआ है। देखना है कितने रन बटोर जाते हैं, जितने भी ज़्यादा रन बटोरेंगे उतना स्कोर उनके लिए होगा, उनके बॉलर के मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए उनको जो ज़्यादा स्कोर रहेगा। राकेश नए गेंदबाज हैं, अंतिम ओवर बारी का वो लेकर आए हैं। और ये अंतिम ओवर की पहली गेंद और ये गेंद और ड्राइव करना चाहते थे ठीक तरह से नहीं, कोई फील्डर नहीं था मिड ऑफ की तरफ, दूसरा रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ कुल स्कोर 26, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद जरूर हवा में थी लेकिन कोई वहां पर शॉट मिड ऑन की तरफ फील्डर नहीं था, इसके लिए कैच नहीं हो पाया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। राकेश की दूसरी गेंद इस ओवर की, जब आगे निकलकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है, देखना है कैच होते लॉन्ग लेग की तरफ फील्डर है और ड्रॉप हो गया कैच, इसी बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। हालांकि आसान सा कैच था लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर मौजूद था लेकिन वो ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ कुल स्कोर 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर बल्ला घुमाया था लेकिन बॉल और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुकता हुआ 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें से ऐसे इस बारी की, फिर एक बार आगे निकलकर खेला स्वयं और इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग और ये रन आउट। स्वयं बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके रन आउट किया था, अच्छी फील्डिंग उनकी। 2 गेंदें अंतिम है, 4 विकेट गिर चुके हैं कल्याण सिविल सर्कल टीम के और अच्छी गेंदबाजी यहां पर ड्रीम इलेवन की। या षटकाच्या समाप्तीनंतर पुढच्या मॅचच्या टॉससाठी यायचे डोंबिवली स्टार विपक्ष KKW कल्याण ईस्ट, दोन्ही संघनायक या षटकाच्या समाप्तीनंतर टॉस विनसाठी यायचे। इस बार अंपायर का व्हाइट का इशारा, पहली गेंद जो कि व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन, स्कोर 29, 3 विकेट के 4 विकेट के नुकसान कर, माफ कीजिए। इसी बीच ओवर की पहली गेंद फिर एक बार कट करना चाहते थे, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन के साथ कुल स्कोर 30 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस पारी की, इस बार गेंद फिर एक बार ठीक तरह से नहीं खेल पाए लेकिन 1 रन और 2 रन के लिए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन से संतोष बाइज का इशारा, लेग बाइज का इशारा अंपायर का,
अंपायर विषय ने लेग बाई का इशारा है, दो अतिरिक्त रन के साथ कुल स्कोर 32 रन, चार विकेट के नुकसान पर। यानंतर डोंबिवली विपक्ष कल्याण पूर्व गणेश गर्जे, प्रदीप म्हात्रे विपक्ष गणेश गर्जे असा सामना लागणार आहे। दोन्ही संघनायक मंचावर या, दोन्ही विभागीय सचिव आमने सामने। आठ रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे। पांच के औसत से आताच झालेल्या नाणेफेकीमध्ये डोंबिवली स्टार टॉस विन फिल्डिंग, वरती वरती दुसऱ्या राऊंडचा पहिला सामना, डोंबिवली स्टार टॉस विन फिल्डिंग। चला सिव्हिल सर्कल फिल्डिंग लावून घ्या। इस मॅच के बाद दुसरे राऊंड के मॅच प्रारंभ होंगे। पहिला ही मॅच डोंबिवली स्टार और केकेडब्ल्यू ड्रीम इलेवन सलामीची जोडी मैदानात येऊ द्या, हो जाएगा। और ये दुसरे जो राउंड के मैच है काफी रोमांचक होने की आशा है। बनाने हैं, मुश्किल कार्य तो नहीं लेकिन क्रिकेट में क्रिकेट असंभव का खेल है। जब तक अंतिम गेंद नहीं डाली जाती निर्णय देना मुश्किल होता है। अभी अभी संयोजक से सूचना आई कि ये दूसरे राउंड के मैच जो है तीन ओवर के खेले जाएंगे। क्योंकि ये प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। परेश और संकेत दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। अंपायर फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। 11 फील्डर के अलावा कोई फील्डर तो नहीं है ना।
लॉन्ग अप, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग, पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ, ये है फील्डिंग की सजावट। पहली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विपुल। परेश स्ट्राइक पर है, 33 रन बनाने हैं 24 गेंदों में। एक रोमांचकारी मैच डोंबिवली स्टार ऑल प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स कडे यायचे प्लेयर्स डोंबिवली स्टार सगळे प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स कडे। मैच जल्दी से आरंभ करें। यह अंतिम मैच है पहले राउंड का और दूसरे इनिंग की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विपुल। काफी लंबा रन अप है उनका। परेश जो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमारी यह पहली गेंद और ये बार बहुत अच्छा ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में। देखना है फील्डर पहुंच वो फील्ड किया गेंद को, लेकिन दो रन से नहीं रोक सके बल्लेबाजों को। इस दो रन के साथ खाता खोला बल्लेबाजों ने और अपना टीम का भी खाता खोला। पहली गेंद थी इस ओवर की, बहुत अच्छा ड्राइव था एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ। विपुल दूसरी बार इस ओवर में ये गेंद, फिर एक बहुत अच्छा गेंद हवा में जरूर है। देखना है लॉन्ग ऑन पे फील्डर नहीं पहुंच पके, ये छक्का, खूबसूरत स्ट्रोक्स, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। फील्डर ने जरूर कोशिश की लेकिन उसने पहुंचने के बाहर, ये सीमा रेखा के बाहर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, स्कूल स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तीसरी बार इस ओवर में फिर एक बार गेंद को उठा दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे 6 रनों के लिए। खूबसूरत बैटिंग यहां पर, दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं बल्लेबाज और पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। विपुल 3 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं, काफी महंगे साबित हुए हैं इस बार। दोनों टाइम उन्होंने ओवर पेस गेंद डाली थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। इस बार ये गेंद चौथी बार, इस बार फिर एक बार 6 रन के लिए जाएगी गेंद, देखना है। और ये अंपायर के इशारे का मैं इंतजार करूंगा। ये 4 रन के लिए गेंद, एक टप्पा खाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुल स्कोर 18 रन बगैर किसी नुकसान से और केवल 15 रनों की जरूरत है इस बार। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गई विकेट कीपर के पास। ड्रीम इलेवन ने एक अच्छा ही शुरुआत, जो पावर प्ले का एक ओवर रहता है उसका पूरा फायदा उठाया इस बार ये गेंद। और फिर एक बार धीमी गति की गेंद, पुल करना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले से नहीं, अनुरा ने हिस्सा लग के स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति होगी शायद, 19 रन पहले ओवर में और अब 14 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो पावर प्ले का जो पहला ओवर था उसका पूरा पूरा फायदा ड्रीम इलेवन के बल्लेबाजों ने लिया है और जो आगे जो टारगेट आस्किंग रेट था उसका आसान कर दिया है, क्योंकि 3 ओवर में केवल 14 रन बनाने हैं।
नए गेंदबाज संदेश, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है रनों को अंकुश लगाने की। देखना है, दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक मूड में है इस समय, जल्दी मैच समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर की पहली गेंद और ये गेंद फिर एक बार स्क्वायर लेग के पीछे गेंद को हवा में खेला और शायद एक रन से संतोष होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सब दीवार है, उसमें फील्डर पहुँच नहीं पाएगा और जो नियम बनाए हैं कमेटी ने उसके हिसाब से एक रन मिलेगा। कुल स्कोर 20 रन बिना कुछ नुकसान से। वर्कर्स फेडरेशन पुरस्कृत इस टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में यहाँ पर कमेटी बॉक्स में हमारे माननीय उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। कल्याण परिमंडल एक के माननीय अध्यक्ष साहब पाटिल साहब, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। कोकरे साहब, चचाने साहब जो वर्कर्स फेडरेशन के पदाधिकारी है, उनका भी यहाँ पर स्वागत है और ये क्रिकेट का आनंद यहाँ पर लूट रहे हैं सभी। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। तो बॉल गया, अगला मैच जो है डोंबिवली 11 और केकेडब्ल्यू। अभी अभी केकेडब्ल्यू के कोच प्रकाश जी बंस, उनको हमने पूछा कि तुम्हारे टीम का किस तरह से होगी। उन्होंने बताया कि जिस टीम में ज्यादातर ऑलराउंडर होंगे। पहला मैच बड़ी खूबसूरती से जीता था केकेडब्ल्यू ने। इसी बीच ये दूसरी ओवर की अगली गेंद, इस बार इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। देखना है, दो फील्डर पीछे भाग रहे, नहीं रोक पाएंगे गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। चौबीस रन और ये गेंद थोड़ी सी धीमी की थी, चतुराई से गेंद फेंकी थी बॉलर ने। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, व्हाइट का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन, 25 स्कोर हो गया है बिना किसी विकेट से। आपको याद होगा कि जो पहला मैच खेला गया था नेतिवली और केकेडब्ल्यू के बीच, वो और केकेडब्ल्यू ने 10 विकेट से जीता था। इस बार ये गेंद फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, देखना है पैड पर लगी वाइड का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त स्कोर। कुल स्कोर हो गया 27 रन। हेलो, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, वाद करू नका कोणी पंचांची, जो योग्य निर्णय असेल तो देतील। दोनों अंपायर कल से काफी एकाग्रता से काफी अच्छी अंपायरगी की, उन्हें कोणी पंचांची वाद घालू नये, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। काफी अनुभवी अंपायर इस प्रतियोगिता में है, कल से उन्होंने खूब अच्छी तरह से अंपायरगी की है। इस बार ये गेंद और उसको ड्राइव कर दिया कवर्स के ऊपर से, फिर एक बार चार रन मिलेंगे इस चौके के मदद से। स्कोर और इस बार गेंद को ड्राइव किया, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते हैं और हो गई गेंद।
मिड ऑन की तरफ खेला है, फील्डर वहां मौजूद, एक रन से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर हो गया 32। ओवर की समाप्ति, दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन, केवल एक रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। दो ओवर का खेल शेष है, एक ही विकेट गिर चुका है ड्रीम इलेवन। एक रन मिलेगा, इसी के साथ ये मैच ड्रीम इलेवन ने जीत लिया है। दोनों टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला, दोनों टीम का अभिनंदन। और जो अगला मुकाबला अभी खेलने जा रहा है KKW और डोंबिवली इलेवन के बीच, दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला। दोनों